जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल आलक्यूपी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सेंट्रल कोल्डफील्ड लिमिटेड कंपनी में आप लोगों के लिए जो है अप्रेंटिस के पदों पर 1565 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें न ही आप लोगों को एग्जामिनेशन फीस लग रहा है और न ही यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम होना, सीधी भर्ती निकाली गई है। केवल यह जो है आप लोगों का मेरिट बेस पर भर्ती निकाली गई है। तो इसका हम लोग आज की डेट में देखने वाले कि ऑनलाइन डेट क्या है, ऑनलाइन का लास्ट डेट क्या है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया और किस पद के लिए जो है क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सारी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखते रहना, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और है, यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो हम लोग चलकर फटाफट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट के ऑफिशियल पीडीएफ पर आ चुका हूं और आप लोग यहां पर देख सकते हैं सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यहां पर दिया गया है। और मैं नीचे स्क्रॉल करके आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं, यहां जैसे अधिसूचना जारी किया गया जिसका डेट यहां पर 4/9/2020 यानी कल शाम को ये जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर फिटर के पदों पर 425 पदों पर भर्ती निकाली, जिसमें आप लोग जो है 10 मांगा गया है, प्लस इसके साथ साथ जो है आप लोगों को आईटीआई भी फिटर ट्रेड से किया होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा यहां पर वेल्डर के 80 पदों पर भर्ती निकाला गया, इलेक्ट्रीशियन के जो है 630 और इसी प्रकार से जो है आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करके मैं दिखा देता हूं, यहां पर 11 पदों पर भर्ती निकाली गई है। टोटल अगर मैं बात करूँ तो टोटल आप लोग जो है 1565 पदों पर भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पर बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आप लोगों को जो है जिस भी पद के लिए यहाँ पर या फिर कह सकते हैं जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उसमें जो है आप लोगों को जो है 10 तो रहेगा है, इसके साथ साथ आईटीआई में आप लोग जो है उसी ट्रेड से जो है आप लोग जो है सर्टिफिकेट लिए होना चाहिए। अब बात करते हैं आप लोगों की एज यहां पर कितनी होनी चाहिए, तो एज लिमिट में यहां पर आप लोग देख सकते हैं 18 वर्ष यहां पर जो है कम से कम एज रखा गया है, अधिकतम एज यहां पर 30 वर्ष रखा गया है। एसटी एससी वालों को जो है यहां पर 5 वर्ष का छूट मिलेगा, ओबीसी वालों को 3 वर्ष का छूट यहां पर दिया जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके आ जाते हैं, देख लेते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो कुछ दिया है। यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों को अप्लाई करने के लास्ट डेट की, तो यहाँ पर अप्लाई करने का लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं 5 अक्टूबर यहाँ पर दिया गया है। 5 अक्टूबर तक आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। यदि आप लोग फॉर्म कैसे फिलअप करना नहीं जानते हैं तो आप लोग हमको कमेंट करके बता दीजिए, मैं आप लोगों के लिए जो है फॉर्म फिलअप की वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के वेतन की, तो वेतन यहाँ पर आप लोग जो है 7,000 रुपये पर मंथ आप लोगों का वेतन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थे आप लोगों को कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग जो है यह आप लोग 5 अक्टूबर लास्ट डेट दिया गया और 18 वर्ष यहाँ पर दिया गया और अधिकतम जो है 35 वर्ष दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ जो है ट्रेड से दिए गए, इन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा। और आप लोग जो है अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, कैसे आप लोगों को आवेदन करना आए हैं, यदि आप लोग चाहते हैं तो आप लोग हमको कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर नीचे आप लोगों के लिए कुछ टर्म कंडीशन दिए गए, इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। इसको आप लोग जो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मैं पहले से ही प्रोवाइड करा दिया हूँ, तो वहाँ से आप लोग जाकर ये सारी जानकारी रीड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे ही नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।